नमस्कार, मैं अजय। जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा, वैसे वैसे नेताओं की भी, वैसे वैसे लोगों की भी दिलों की धड़कन तेज होनी लाजमी है। तो आज मेरा पहला सर्वे है, क्योंकि भाजपा ने 6 सीटें घोषित कर दी। हरियाणा से ये नेता, ये लोग चुनाव लड़ने का काम होगा। तो मैं आज सुंदर मेमोरियल पार्क के आगे और वहीं से लोगों की राय लेने का काम करेंगे कि आपका एमपी कैसा हो, क्योंकि एमपी के ऊपर तो पूरे देश की अब सरकार बनेगी। और भाजपा सरकार की बात करूँ तो 400 पार का नारा देने का काम कर रही है। तो सबसे पहले मेरे को ये मिल गया सर, नमस्ते। नमस्कार भाई, आपका एमपी कैसा हो? एमपी जो सबको समानता से देख के विचार, मतलब उसके मतलब गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए और बढ़िया काम करा हुआ है। इस प्रकार से भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, तो लगता है कि 400 पार का नारा जुमला है या सरकार कर पाएगी? ये जुमला ही लग रहा है मुझे, तो जुमला लग रहा है। सर, आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार, चलो जी, धन्यवाद आपका सर। ठीक है, आज राय सब के लेके जाऊंगा। चलो ठीक। सर बता के दो, प्लीज नू लग रहा करो, नू पंडा थोड़ा काम तो लग होगा। तो आपका एमपी कैसा हो? एमपी बढ़िया है, धर्मवीर। अपने एमपी कैसा हो? धर्मवीर का हो। धर्मवीर का। तो सर इस नेता की कोई खास बात बताएं? खास बात या काम ने को नटता भाई। अच्छा, कोई जाओ। तो जिस प्रकार से बात 400 पार का नारा दे रही है, अब की बार 400 पार, 370 का, तो क्या लगता है कि ये मुकाम कर पाएंगे? भाई इतनी बड़ी राजनीति होती तो हम भी के में लड़ाए को नहीं, हम धर्मवीर की समित सा। कह सकते हैं धर्मवीर अब की बार कहीं ना कहीं पावरफुल बैटिंग पर रहेंगे। तीसरी बार गए, बिल्कुल पावरफुल है, जब तीसरी बार दे रहे हैं। तीसरी बार हां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये खट्टर पर के हटा दिए इन अपने मंत्री, तो बार बार टिकट मिल रही है बिना मांगे। ये तो आप गुण है जब मिले हैं, गुण है जब। शहर की छवि बढ़िया है और बढ़िया है, मिलावटी आदमी है, मिलावटी यानी मिलनसार आदमी है, मिलनसार आदमी है। ऐसा ही हो, धर्मवीर पर का हो, धर्मवीर पर का हो। चलो जी, अब ये शुरुआत है मेरी, श्री गणेश यहाँ से हुआ है। आज अंदर चलते सर, कैसे हैं भाई साहब? आपका एमपी कैसा हो? एमपी तो हमारा धर्मवीर जैसा ही हो जी, जो पहले भी रहा है। इसको ना कोई हराने वाला है, इसको टिकट इसकी फाइनल हो गई, फाइनल हो गई है। और जो पिछली बार बना उससे ज्यादा वोट, क्या आपके पास जो कांग्रेस का, जेजेपी का और भाजपा का कोई मापदंड बनेगा? ये कोई हैवी नीचे भी रहेगा या धर्मवीर सबके ऊपर रहेगा? धर्मवीर तो एक तरफा ही है जी, नंबर वन पे एक तरफा, एक 50% में है, 50 में सभी सारे हैं, 50 में सारे, 50 में धर्मवीर एक लाख। क्या मानते हैं भाई? बिल्कुल जो भाई साहब ने कही है बिल्कुल फाइनल है, यानी अस्थि भाव सबका सी है। बिल्कुल, एक चीज और भी है जी, अजय जी, पहले तो क्या है कि धर्मवीर जी की बढ़िया साख तो है ही, रेपुटेशन भी है, लोगों के काम भी कराता है। एक मिनट प्लीज। और दूसरा है जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, पहले तो है ना ये धर्मवीर जो अपने बलबुत्ते भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली जो एमपी अब आएंगे दसों के दसों हरियाणा, हरियाणा के अंदर, वो अब धर्मवीर नहीं, जो अपने प्रधानमंत्री है ना मोदी जी बनाएगा इनको एमपी, ना कि एमपी खुद बनेंगे। अब की बार बेचारा मोदी जी रहेंगे ना कि सांसद रहेंगे? नहीं, मोदी रहेंगे, बिल्कुल मोदी रहेंगे भाई। अभी धर्मवीर सीमित धर्मवीर रहेगा, बिल्कुल यानी चेहरा मोदी नहीं रहेगा पर धर्मवीर सीमित रहेगा। आदमी का फर्क है, ये धर्मवीर वाला है, बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी, ये मोदी जी इसलिए मैंने को किया। और 400 प्लस है आप, पिछली बार भी और विचार भी करे थे नूलिया जी, इतने में रहेगा, आई बार प्लस होते यार लग रहे हैं। चलो जी, अच्छी बात है सरकार के लिए, बिल्कुल नहीं बढ़िया। लेकिन इन्होंने कहा कि हम धर्मवीर समर्थन में है, आपने कहा मोदी के चेहरा देख के वोट देंगे, यानी मोदी तो धर्मवीर लड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, धन्यवाद। कैसे सर, ठीक है सर? बढ़िया जी। सर एमपी कैसा हो, आपको एमपी कैसा चाहिए? जो नेचुरल है काम करे। अच्छा, बिल्कुल सर, क्या लगता है कि जो अब की बार एमपी के क्या वो होने चाहिए, क्या देखा जाएगा एमपी के चेहरे, या मोदी का चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या वास्तव में एमपी का चेहरा? वैसे तो चेहरा तो मोदी के पे ही लड़ रहे हैं, इलेक्शन अच्छा। तो उसी के उस पर होना है सर, इसमें तो 1% भी शक नहीं है, क्योंकि चेहरा तो वही है। और ये लोकसभा वाले चुनाव है, इसमें तो नेचुरल है कि लोग जो है सेंटर पे देख के ही करेंगे जो भी करेंगे। सर इसका मोदी का और राहुल का कुछ ऐसा रहेगा या फिर मोदी मोदी रहेगा? देखिए अभी ये पिछले जिस तरह अपना 19 में जो हुए थे उसके हिसाब को देखते हुए, तो अभी राहुल को तो बड़ी मेहनत की जरूरत है उसके। आपको क्या लगता है एमपी कैसा हो? जो काम करने वाला वही। सर क्या मानते हैं कि आपके तीन जिले हैं लोकसभा के अंदर, कितना काम आपके एमपी के जो दो योजना से हैं वो कितना काम करवा पाए, क्या कमी रही है? कमी तो वैसे तो भिवानी में तो कमी ही है। छात्र आज
भिवानी में तो कम मन की बात वो बताए सर, मन की बात बात बोल रहा हूँ। भिवानी में तो कमियां हैं, भिवानी में तो भिवानी में तो कमी की है, कमी रही सर। फिर से वो एमपी बन जाएंगे, फिर से मोदी की तरह लोग वोट डाल देंगे सर, कमियों के बावजूद भी क्या बताए। देखिए सर, इसमें तो है ना, देश के लिए सोचा जाता है। जब लोकसभा की बात आती है तो आदमी देश के लिए सोचता है, फिर वो ये नहीं देता कि मेरे स्टेट में या मेरे घर में क्या हुआ, मुझे तो देश बचाना है। तो फिर नेचुरल है कि उसी लेवल पे सोचा जाएगा। मोदी जी बता सकते हैं, नहीं बचाने वाली बात नहीं है कि मोदी ही बचा सकता है। व्हाई नॉट द कांग्रेस, व्हाई नॉट द आप, कोई भी बचा सकता है। लेकिन अपने प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से, होनेस्टी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली काम होगा सर। 450 नारा सर पूरा हो जाएगा लगता है आपको? देखिए नारा तो हर बार ही दिए जाते हैं, नारा तो टच करने में बड़ा मेहनत की जरूरत पड़ती है। ये नारा साबित होगा या फिर ये जो 400 का जो है 370 का ही रहेगा? नहीं नहीं, नियर टू दे विल टच टू कस्टमर। हां बस ये है कि 10-15 सीट ऊपर या नीचे ऐसे चलेगा, लेकिन रहेगा, यानी बात बनेगी। नमस्कार, आपका एमपी कैसा हो सर? एमपी बस कुल मिला के ऐसा ही है, कोई खास काम तो अत्ते नहीं क्या करते। सर अब की बार जो वोटर है, वोट देने का काम करेगा वो प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट देगा या अपने एमपी का वर्तमान का चेहरा? प्रधानमंत्री का चेहरा देख के देगा। बिल्कुल 317 नारा दे रही, 400 का नारा है तो नारा हो चाहे पूरा, लेकिन सरकार बनाएगी, मोदी सरकार बनाएगी, बीजेपी की सरकार बनाएगी। शहर में हल्के में आपके जिले में कितना विकास हुआ सर एमपी के द्वारा? अब मान सकते हैं एमपी तो हमें पता नहीं लगता कोई विकास होया है कि नहीं हुआ। मतलब दादरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, फिर भी वो दादरी सी के अंदर आता है। दादर में विकास नहीं दिख रहा, लेकिन चेहरा जो देश का चेहरा वो मायने रखता है आदमी के लिए। ये भी दो ही चीज है ना बस, या तो देश है, जैसे हम बात करें, या तो अपना घर है या नहीं है, तो देश रहेगा तो सब कुछ है। तो देश के लिए तो फिर अगर है तो फिर सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड रख के आदमी वोट करता है, वोट करेगा। हाँ चलो, थैंक यू सर। अभी सभी मोदी को चेहरा देख के ही वोट कर रहे हैं, मोदी को चेहरा देख के। सर मैं वही बताऊँ सर, 2019 के अंदर ये रहा था तो मोदी चेहरा था, तो सर अब की बार भी चेहरा वही बनेगा, मोदी बनेगा या एमपी भी होंगे सर चेहरा बनने लायक, या अपने काम के आधार पर कुछ कह सकते? तो आपने कहा कि जत में कुछ नहीं दिख रहा है एमपी के लेवल का, नहीं दिखा ना, और आप नकार रहे काम को, और फिर से आपने कहा कि मोदी का चेहरा देखिए, मोदी इसलिए मैंने सवाल किया था। मोदी ने देश के लिए बहुत किया, लेकिन भिवानी में कुछ नहीं काम हुआ। राज्यसभा या स्टेट लेवल का वो होता तो आदमी बहुत कुछ सोचता है, फिर सोचता है कि यार अब क्या करना है, क्योंकि स्टेट का मैटर है, लेकिन देश का मैटर है तो फिर आदमी बहुत कुछ सोचता है। चलो सर, अब की बार भी वो बहती गंगा के अंदर बह जाएंगे एमपी मोदी के नाम पे? हाँ कुछ लग तो ऐसे ही रहा है सर, ऐसा लगता है। चलो बुजुर्ग आगे, नमस्ते, कैसे हैं? भाई आपका एमपी कैसा हो? एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे हो? सामने तो सामने तो आपकी तरफ कर दिया मैं। सर आप भी अपने दे विचार तो दे देख सकते हैं। तो सर बच्चों को एंजॉय करने वाले सर इस पार्क में, अगर कुछ मान सकते हैं कि प्रोबर्स के नाम की चीज है कुछ ऐसा, व्यवस्था के नाम पे है या कुछ ऐसा कुछ और भी है? चलो मैं एमपी की चुनाव की कर रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था ये भी दिखाने लायक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब कुछ यहाँ पे आ रहा, और ये शहर का बहुत बड़ा पार्क है और गणमान्य पार्कों के अंदर इसकी गिनती देखी जा सकती है। लेकिन जो व्यवस्था की बात करूँ तो इसकी व्यवस्थाओं के अभाव में आज ये पार्क इस व्यवस्था में बनता हुआ जा रहा। अब ये भविष्य खराब करेगा, अब ये क्या होगा, किस प्रकार से व्यवस्था बनेगी ये पता नहीं है, लेकिन ये है कि आज ये उड्डा मेमोरियल पार्क का देखा, ये व्यवस्था उड्डा पार्क की आज की व्यवस्था है, और आप पूरे पार्क के अंदर देख सकते हैं आवागमन लोगों का भी, घूमने वालों का भी, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही इस पार्क के अंदर की। जी नमस्कार सर, ऐसा है मतलब टिकट जब तक नहीं आ लेती जब तक क्या समय नहीं, मैं एमपी की सर एमपी के एमपी की बात करा ना, जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होते उस भाजपा से होगा ना सर? नहीं भाजपा तो हो गया, दूसरी पार्टी का भी आएगा तो कोई फर्क रहेगा सर, या मोदी का चेहरे का वो आपकी बार फर्क पड़ेगा, या फिर कोई कैंडिडेट आपकी बार वास्तव में देखे जाएंगे? मोदी का चेहरे का ही फर्क पड़ेगा और कैंडिडेट भी देखे जाएंगे। भाजपा की हो है ना, यही तो बात करें ना, जब तक सारे कैंडिडेट नहीं आ लेंगे मैदान में, जब तक सर जिस प्रकार से भाजपा नारा दे रही 400 पार का 370 का, वो सर लगता कुछ ये बेकार की बात है? 400 को नहीं आवा। अच्छा बकवास है, सब बकवास है जो टीवी में दिखाओ ना, सब जो मोदी का हुआ वो दिखाओ, यूट्यूब पर देखा ना उसमें उल्टा बोल रहे थे।
वो यूट्यूब पे तो उल्टी गंगा पार चढ़ी हुई है और टीवी पे सीधी गंगा पार है। ये तो सब पार्टियां इलेक्शन के टाइम में अपना करते हैं, हम इतने ले जावांगे, इतने पहले ये 75 पार भी कराया करते, 75 पार हो ही कोई पूरी तो ये तो जुमले हैं सबके अपने अपने इलेक्शन के टाइम में अपनी अपनी सीट बढ़ा के बताऊंगे। सर जिस प्रकार से मोदी जी के काम से अगर देश की बात करें तो कितना संतुष्ट देखा जाता सर, आपके शहर में क्या बढ़ा हुआ सर? भिवानी में धर्मेंद्र ने कराया किसे 2 बार मन का जी, सही बात है, आप बताओ बिल्कुल वो तो मोदी ने देखा तो देवाल, हम तो धर्मेंद्र ने देखा देवाल, मोदी ने देखा तो देवाल। अच्छा यानी वोट मोदी को नहीं धर्मेंद्र को मिल रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार मोदी का चेहरा देख के वोट दे देंगे धर्मेंद्र का, हमारे लिए मायने नहीं रखता। ये अपनी अपनी सोच है जी, अपनी अपनी सोच है, धर्मेंद्र ने वोट मिलेगी जी, बीजेपी का तो रोज नए नए चक्कर से खट्टर ने तो दो मतलब दो योजना 10 साल घूमे यो ठीक से उसका तर मतलब से जितान से जो कोई भी खड़ा हो। अच्छा जहाँ से ना बीजेपी जीत तो नहीं ना, रात्र में कुछ है नहीं जी। अच्छा जी, भिवानी शहर में आप भी देखो, आप भी सर्वे करो, हर जगह जाओ हो, और बाकी तो ये समीकरण इस प्रकार से लोगों की राय है कि क्या बढ़ते हैं देखो, समीकरण बनेंगे सर, अभी फाइनल समीकरण नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मोदी के नाम पे धर्म के चेहरे पे क्या समीकरण और अदर अदर पार्टियां उनके टिकटों पर देखा जाएगा जी। हाँ जी, सब बनेगा समीकरण के ऊपर है सर, समीकरण बनेगा सर। आप पूछ रहे हो ना, अभी कुछ कोई मायने मायने नहीं है सर। इस प्रकार से भाजपा कह रही है हरियाणा में 10 की 10 सीट, जैसे यहाँ पर दानवीर दान सिंह ने खड़ा हो गया, राव दान सिंह खड़ा हो गया, तो दानवीर ने फिर फाइट करेगा। अच्छा समीकरण बदल गया, क्योंकि उसके कौन कौन खड़ा हो गया कि कौन किसी वोट काट गया, अब तो आम जनता था। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मोदी वाला चेहरा आपकी बार काम नहीं करेगा, इवेंट काम नहीं करेगा ना, मोदी मादी कुछ कर नहीं करेगा नहीं, मतलब खट्टर खराब हो गया, धर्म भी ठीक हो गया। दो, 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 दो दिन पहले दिन तो गुड़गांव में ना के मैं बोला था अगले दिन की मैं कर दिया, उसके 36 होया के साथ दरी पे नून देने तो खट्टर ना एमपी नहीं देते, राज्यसभा के सदस्य बनाता थे, राज्यपाल बना देता, नूत बनाता। लेकिन है ना जो आप आपस में बात करा था हमने को टीवी से या इससे को मतलब भाजपा राज में दो योजना में भिवानी दादरी मंदिर कितना डेवलप मानते सर आप? हम तो नहीं मानते कोई भी डेवलपमेंट हुई हो, सिर्फ हवा डेवलपमेंट नहीं मानते हम, कोई भी कोई डेवलपमेंट ना ना कोई सुधार नहीं है, कोई ना ना किसी चीज का कोई सुधार। चलो थैंक यू सर, तो इसका आपका कहने भावर है कि पार्टियों के कैंडिडेट को अहम रोल देखा जाएगा, मोदी चेहरा अहम नहीं रहेगा समीकरण? हाँ बिल्कुल, ये धर्मी मोदी का बाप है, धर्मी मोदी का बाप है, यहाँ तो स्थानीय समीकरण को खेल है, स्थानीय समीकरण। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई सर, थैंक यू सर। ऐसा है हाँ जी, जो चुनाव अभी आ रहे हैं ना इसमें मोदी की सरकार तो बने बनेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं, और धर्मवीर तीसरी बार बनेगा यहाँ से एमपी, और डेफिनेटली बनेगा क्योंकि जाट बहुल एरिया है ये जी, और राव हैं अपने मंदरगढ़ में भी काफी इधर भी, तो मेरे ख्याल तो ज्यादा ही वोट लेगा वो, एमपी बनेगा यहाँ से। देखिए सर अगर विस्तार की बात करें इस शहर की, चाहे भिवानी जिले की बात करें, मंदरगढ़ की बात करें या दादरी की बात करें, तो सर कितना विस्तार हुआ, कितने इंडस्ट्री आई, क्या मायने बनेगी सर? विस्तार तो जितना बजट डेवलप हुआ सर आपके शहर में, जितना बजट मिला है देश को, मतलब हरियाणा में भिवानी को, उस हिसाब से तो ठीक ही। आप आज स्टेशन को देखो जाकर, क्या था यहाँ, आज डबल लाइन हो रही है सारी, ये पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए ही बनते हैं सारी जी। बाकी क्या दिया ना पब्लिकली, पब्लिक को क्या दिया, ये पब्लिक के लिए ही तो है, जो डबल लाइन जो है लोगों को सहूलियत होगी, पहले आधा घंटा यहाँ रुकती थी ट्रेन, वो आएगी वो चलेगी। सर आपने तो वो कर दिया, वंदे मातरम ले आए, वंदे भारत तो ले आए, 16 डब्बों की गाड़ी को आपने 8 डब्बों में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, डबल कर दिया सर, डबल लाइन हुई है। लेकिन सर क्या रोजगार आए, क्या किस किस रोजगार के पैमाने बढ़े सर, दूसरी योजना सरकार है सर, रोजगार के मामले में फड्डी है, फड्डी है ना सर, ये बात है। हमारे जवान आज ऐसे घूम रहे हैं और
प्लस एज होती जा रही है उनकी सर्विस से। सर फिर से मोदी साहब आ जाएंगे, ये मुद्दे बनेंगे सर, नहीं बनेंगे सर, या फिर आग मिल के लोग वोट डाल देंगे सर? दोबारा पूछो। मैं सर ये बोल रहा हूँ की अब की बार वोटर वो आग मिल के वोट ऐसे डाल देगा मोदी के नाम पे, या ये इफेक्ट पड़ेगा, ये मुद्दे बनेंगे सर? ये मोदी के नाम से डालेंगे वोट, मुद्दा मुद्दा कोई मुद्दा कुछ नहीं बनेगा, मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा सर। बस सुनो जी, मोदी के नाम पे वोट पड़ने का काम होगा। सर क्या मजबूत नहीं है, दमदार क्या नहीं है? विपक्ष। अरे यहाँ पे जो विपक्ष है वो दमदार नहीं है, नहीं वो कहीं है नहीं, इसलिए भाजपा हैवी है, इसलिए भाजपा हैवी है। अगर विपक्ष हो सर फर्क पड़ेगा? अब इन्होंने इंडिया बनाया था उसमें भी सभी छोड़ के जा रहे हैं, कोई मना कर रहा सर हम अपने दम पे लड़ेंगे, चाहे पंजाब की बात हो चाहे। सबसे पहले ममता बनर्जी पहुंचती थी उसमें, बंगाल की बात, इंडिया की उसमें, और नीतीश पहुंचता था, वो दोनों आज अलग हो गए। वो अपने आप मर्जी लड़ेंगे, नीतीश बात पे बैठे सर। अच्छा, इसने समझौता जो नीतीश ने किया है ना, ये भी मतलब खोर है। अच्छा बस अरे बात तो कर बैठेगी, देश का बॉर्डर है तो जागरूक, लेकिन बस मोदी के नाम पर पट्टी बंधी हुई है। हाँ बस वही है, यानी बॉर्डर जागरूक है, पट्टी बंधी हुई है मोदी के नाम की। थैंक यू सर। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आपका एमपी कैसा हो आज? प्लीज भाई, आज तक जितने एमपी देखे हैं ना, एमपी कोई काम को नहीं करता, ठीक है? आप तो पत्रकार आपने भी रहे हैं, ईशे ही है एमपी देखे हमने तो, आज पूरे साल में ईशे ही है गांव है जिनमें एक बार भी उनकी विजिट नहीं होती। और सबसे अहम जो है ना इस देश में जो कड़ी है ना, वह एमपी है, और एमपी अपनी जिम्मेवारियों से ही भागने लग गए। बस मेरा तो यू है, जिस प्रकार से मोदी का चेहरा इफेक्ट करेगा या एमपी का चेहरा, वोट पड़ेगा सर आपकी बार का? देखो मोदी जी के बारे में या और सरकार के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्यों? सारी सरकार बराबर है, भला कोई नहीं भाई। एमपी काम के है नहीं, जिसने कुर्सी, एमपी काम के बहुत हैं, लेकिन प्रेशर रहता है एमएलए पे, एमपी फ्री होता है, लेकिन काम करना चाहिए एमपी ने एमएलए की बजाय। होता नहीं सर, ऐसा होता नहीं, होता नहीं। नमस्कार सर, आपका एमपी कैसा हो? एमपी ऐसा है जो शहर में काम करा हुआ सर। क्या लगता है कितना आपका शहर जिला विकसित हो पाया इसे? नमस्कार, आ जाओ ना भाजपा का राज में काम तो ही है, ऐसे बात। एमपी कैसा हो सर? सर आपका एमपी कैसा हो? नमस्कार, आपका एमपी कैसा हो? क्योंकि राजनीति के बारे में दे रहा नहीं, आपका वोट तो डालने जाए सर, ये तो बता चलता एमपी सर कैसा हो, क्या क्या गुण होने चाहिए उस एमपी के अंदर, किस प्रकार का एमपी हो, वास्तव में राजनीति का पता। चलो थैंक यू सर। हां जी, घूमने आए हैं। वोट सब का बनेगा जी? वोट सब का बनेगा? नहीं, वोट अभी तो नहीं बना। आपका बनेगा बेटा? हां जी, मेरा बनेगा। पहली बार वोट वोटर आप? हां जी, पहली बार। हां जी, तो एमपी कैसा हो, नेता कैसा हो आपका? नेता बना मोदी हो, देख ले क्या और मोदी हो, चलो और कोई ना हो। चलो थैंक यू। आपका एमपी कैसा हो? आपका एमपी कैसा हो? एमपी जैसे आम आदमी होता है वैसे ही होगा, और क्या काम कर रहे हैं? आम आदमी नेता हो सर, एमपी एक लेवल का नाम पड़ा है सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर, क्या क्या काम करवा सकते सर, कितने काम आपके लिए करवा सर? क्या कुछ नहीं करते, अपना हित साधते हैं जितने भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से काम करते हैं। आम आदमी का ज्यादा नहीं सोच पाते ये लोग, ठीक है ना? जिस प्रकार से अब की बार जो वाइस जनरल होते हैं सारे इनके, तो ज्यादा हम माथा पच्ची करते नहीं है इसमें, ठीक है? तो जैसे रूटीन चल रही है, ठीक है? पिछली बार 19 की बात करें सर, तो मोदी जी चेहरे को वोट मिल गया था एमपी, वैसे बने थे सर, आपके बार इफेक्ट ये रहेगा? अभी मिल जाएगा। अच्छा, अभी इफेक्ट ये जाएगा? अभी अभी मिल जाएगा, मिल जाएगा। वहाँ उसके रीजन है, मोदी जी ने लोअर लेवल पे समाज का जो पिछड़ा तबका है उसके लिए बहुत काम किए हैं, वो इसलिए कि उनको जो जरूरतें बेसिक जरूरतें थी वो वहाँ से पूरी होती है, जैसे फ्री अनाज, वो फ्री तो कुछ नहीं है, है तो हमारे पैसे से खरीदा हुआ, वो नाम तो है सर। इस तरह से फ्री अनाज देके देश के विश्व गुरु बनेगा सर? नहीं नहीं, कोई विश्व गुरु का ये कहना कि विश्व गुरु जी कह रहे हैं, दुनिया कोई पागल, दुनिया दूसरे देश कोई पागल थोड़े बैठे हैं, ऐसे बन जाओगे? देखिए मोदी जी कह रहे हैं सर विश्व गुरु बनेंगे, ठीक है कि एक विकास की तरफ जा रहा है हमारे देश में, क्योंकि बेसिक्स थे ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है वो देखने लायक है, वो दुनिया को नजर आता है। 14 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुई सर, इससे पहले मजबूत थी सर? नहीं नहीं, उससे पहले जो था वो फाइलों में रह जाता था, और कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार पीछे इतने उजागर होते थे उसकी वजह से ही चेंज आया था देश में। अब ये जब तक है पावर में उसके बाद पता लगेगा इन्होंने क्या किया। चुनावी तंत्र तो आपके पास मुद्दा बना पड़ रहा सर, ये पहले भी होता था, अभी अभी है कि अब
अब सिस्टम में हो गया है, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है तो पता लगता है। ये चंदा वंदा तो पहले से ही चला रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ से खाती कमाती है, यही कमाती खाती है। सर अब की बार चुनाव अहम मोदी के नाम का रहेगा या एमपी के चेहरे बनेगा सर? नहीं देखिए, वैसे तो बीजेपी गवर्नमेंट का ही है, एमपी का पर्टिकुलर कोई कुछ नहीं है, जिस तरह से भी चल रहा है। नमस्ते सर, बताएं सर एमपी कैसा हो, क्या क्या उसे खूबी हो, किस प्रकार की बातें हो? एमपी कैसा हो? एमपी कैसा हो जो करंट सिनेरियो में है ना, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो इश्यू है ना वो लोकतंत्र है। जो लोकतंत्र का वो बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट को कोई विश्वास नहीं है लोकतंत्र के अंदर। मैं भिवानी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ, और मैं सबसे बड़ा खतरा मानता हूँ इसको, ये मोदी सरकार को, देश के लिए। अगर वो किसी भी पार्टी से भी, मतलब कोई भी आदमी आता है ना बीजेपी से, वो फिर अपनी फिलोसफी कायम नहीं रह पाता, उसको मोदी के अंडर काम करना पड़ता है। अब करंट हालात में चार एमपी ने रिजाइन कर दिया, जिन्हें गौतम गंभीर एक लीडिंग एमपी था, और अब हरियाणा में देख लो बृजेंद्र सिंह, ये मतलब बहुत आईएएस रिटायर है और पब्लिक पर्सनैलिटी था, बहुत मतलब अनेक काम करने वाला आदमी था और विजनरी आदमी था। इस तरह के एमपी को मतलब धकेला जा रहा है कुओं में, और घटिया से घटिया आदमी जिन मतलब अपने ईर्ष्या द्वेष भाव से राजनीति के लाया जा रहा है, ये मतलब देश के लिए खतरा है। और एमपी कैसा हो ये तो मतलब करंट सिनेरियो में तो आप असर्ट ही नहीं कर सकते कि अच्छा एमपी देश के अंदर आ जाए, सब लोगों की हालत खराब है। सर आपकी बारे जिस प्रकार से चुनाव मोदी के 19 चुनाव ऐसा हुआ था कि मोदी का चेहरा देखा गया था, तो सर अब की बार जो मोदी इस प्रकार से नारा दे रहे 400 पार का है, 370 पार का, सर मोदी का चेहरा देखा जाएगा या एमपी अपनी बार सीट देखी जाएगी, चेहरा देखा जाएगा? देखो इस पार्टी की फिलोसफी है, इनका चेहरा चेहरा है, पार्टी का कोई नहीं है, कभी नाम ही नहीं लेता, मोदी गारंटी, मोदी सरकार इतने पार इतने वो कर, मतलब ये कभी भी एक इंडिविजुअल आदमी की पार्टी बना के रख दिया है, वरना देश की इतनी बड़ी पार्टी थी ये, मतलब रूट लेवल से अगर काउंट करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है पदाधिकारी मामले में। जुमलो की पार्टी है, जुमलो की पार्टी है, प्योर झूठी पार्टी है। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टी में कोई आदमी अच्छी फिलोसफी विजनरी आदमी आ जाता है अपने काम नहीं कर सकता, वो काम करता है उनके अकॉर्डिंग जो वो आलाकमान जाता है। हाँ, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है ड्रामा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्लियामेंट्री डिसीजन देता ही नहीं है, एक आदमी डिसीजन ले रहे हैं दो आदमी मिलकर, उन दोनों की चलती है क्या पार्लियामेंट बोर्ड? पूरा देश दो आदमी चला रहे हैं। कल वो निकल रहा था, वो क्या नाम है उसका, हरियाणा का जो था अभी गृहमंत्री, बाहर क्या नाम, बाहर क्या बोला, अगर ना क्या आपका अंदर विधायकों की मीटिंग हुई थी, अंदर क्या डिस्कशन हुआ, बोला हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, बोला दिल्ली से आदमी आए हुए हैं उसको कुछ बताएंगे, तो हमारा क्यों, मतलब इतना बड़ा नेता जो 1987 से विधायक बनता रहा है, सात ही बार वो विधायक बना है इस बार, और ये नहीं बता पाता कि नगरी विधायकों की मीटिंग में चल क्या रहा है। तो सर किस प्रकार से बदलाव हो सकता है या 400 पार का नारा? 400 पार का नारा कोई नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इनके पास IIT IIM के लोग हैं और वो देश को चला, उस सिस्टम को चला रहे हैं, उनको सारी स्ट्रेटजी लगाते हैं कौन आदमी किस चीज से मैनिपुलेट होगा। अभी एक सरकार 10 मिनट सरकार गिर दी, सरकार बढ़ा दी, और ये हालत पूरे हिंदुस्तान में कई स्टेटों में कर दी इन्होंने, हिमाचल में भी अब उन्होंने, जहाँ पे 10 MLA फालतू है बहुमत से, उन लोगों को भी अब सिद्ध करना पड़ेगा, अपना फ्लोर टेस्ट द्वारा देना पड़ेगा, ये कोई तरीका थोड़ी है। मेयर का इलेक्शन देख लो आप, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत का, ईमानदार आदमी है, उसने कम से 20 शख्स इन लोगों को दे दी, ये लोग मानते ही नहीं किसी की। इन्होंने तो एक काम ऐसा कर दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ने रोक लिया उसको, इन्होंने कहा कि जुडिशियल रिकमेंडेशन कमेटी होगी और वो डिसाइड करेगी जजेज कौन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये आर्बिट्री डिसीजन है और इसको क्वाश किया जाता तुरंत प्रभाव से, वरना तुम्हारे जजेज भी ऐसे होते जो चाहते। हाँ सर, अब बदलाव होगा या वास्तव में कैसे क्या होगा, ये सारा ड्रामा है। मैं तो है ना इनको क्या नाम है, जो मशीन है ना, तो ये इसमें चुनाव किया जाता है ईवीएम मशीन, इनको मैं क्वेश्चन करता हूँ, और ये मतलब मुझे लगता है फॉल्टेड मशीन लेके आते हैं, क्योंकि जापान में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारा जो बार कोर्स होते हैं ना, बार कोर्स गवर्नमेंट के पास है, उसको अपने रिमोट एमर्जी के हिसाब से कितने वोट किसी मशीन से निकाल लो। 400 पार का नारा है, 370 पार, ये मैं तो कहता हूँ 547 में से 548 सीट भी ले जा सकते हैं, इन लोगों का लोकतंत्र कोई विश्वास नहीं है। मेरा नाम विकास है, विकास जी, ये ऐसे ऐसे लोग मिलते रहेंगे, ऐसे ऐसे बातें करा लेगा, काम करता रहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र की बात की, लोकतंत्र बड़ा देश का मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा विश्व के अंदर लोकतंत्र देखा जाता है, उसकी कस्में खाई जाती है। डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ना, हाँ, बट नोबडी इज फॉलोइंग, फॉलो नहीं करते सर, कर ही नहीं रहा कोई नहीं कर रहा, करे तो पार्टी ऐसी है, पार्टी ऐसी है। मैं कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करता, मतलब करंट सिस्टम ऐसा, नोटा का सिस्टम आ गया, नोटा का सिस्टम आ गया। हाँ, चलो सर, थैंक यू सर। लोगों के विचार थे, हमने हमारी सर्वे शुरुआत की हमने आज, क्योंकि भाजपा की अभी टिकट बटी है, एमपी की जो तीसरी बार की अब टिकट सांसद धर्मवीर जी को वापस दे दी गई है, तो अब देखते हैं जी किस प्रकार से 400 पार का नारा पूरा होगा, किस प्रकार की भिवानी महेंद्रगढ़ सीट जीती जाएगी भाजपा द्वारा। लेकिन ये है कि अब पार्क के अंदर था, तो पार्क के अंदर लोगों की राय थी, जो आप मत दिखाने का काम करते रहेंगे, हम इसी तरह से सर्वे करते रहेंगे। अब आज भिवानी के अंदर है, कल कहीं और डेरा होगा, कल परसों कहीं और होगा, तो लोगों की राय है जो हम आपको दिखाने का काम करें। जे एन सिन्हू से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट, उड्डा पार्क से।